ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमने उतना बन गया है। अभी मैं चाहती हूँ कि ये जो करेंसी से जो डिस्टेंस है, यहाँ यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको चेंज करूँ। तो मैं टेक्स्ट फील्ड को रैप करूंगी एक विजेट में जिसका नाम है पैडिंग। हाँ ठीक है। ये पैडिंग करके एक विजेट है ना, इसको इसमें रैप कर दूंगी। तो इसकी जो इसका चाइल्ड प्रॉपर्टी में टेक्स्ट चला गया ऑटोमेटिकली। देखो भाई वहां से यूज करने का, रिपैकिंग यूज करने का यही पॉइंट होता है क्या? रैप सॉरी थोड़ा जोर से बोलो, रैप करना। अच्छा रैप करना मतलब देखो कोई भी विजिट यूज कर रहे हैं ना, हम उसको दूसरे विजिट के अंदर यूज कर रहे हैं, तो बेसिकली रैप कर रहे हैं उसको, तो उसको दूसरे विजिट के अंदर डालना इज रैपिंग। तो टेक्स्ट फील्ड को अभी हमने पैडिंग के अंदर रैप कर दिया है। तो रिफैक्टर यूज करने का, रिफैक्टर यूज करके किसी विजिट को इनपुट करने का ये फायदा होता है ना कि ये पैडिंग देख लो एंड वो जो चाइल्ड प्रॉपर्टी के अंदर अपने आप टेक्स्ट फील्ड चला गया, ये सब ऑटोमेटिकली कर देता है इसको, तो ये बेटर ऑप्शन होता है। तो देखो इसने अपने आप से कुछ तो एज इन सेट्स डॉट ऑल करके वहाँ पे एड कर दिया है। डॉट ऑल का मतलब होता है कि सारे तरफ से वो आठ आठ की स्पेसिंग छोड़ देगा। ठीक है, इसको हॉट रिलोड करके देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। देखो आठ आठ पिक्सल्स की डिस्टेंस ऊपर से साइड साइड से छूट गई, बट आई वॉन्ट सम मोर डिस्टेंस, तो मैं इसको 16 कर दूंगी। अभी मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये टेक्स्ट फील्ड ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। अभी मैं इसको राउंडेड रेक्टैंगल करके थोड़ा सा साइड साइड से रेक्टैंगल की जगह उसको राउंडेड रेक्टैंगल बना सकती हूँ। तो उसके लिए मैं बाद में कोड अपलोड कर दूंगी, अभी इसको छोड़ते हैं। अभी टेक्सटाइल के बाद एक और प्रॉपर्टी डालते हैं, एक बटन डालते हैं। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे खत्म हो रही है ना, देखो यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड खत्म हो रही है, यहाँ पे एडिंग खत्म हो रही है। तो कॉलम का अगला एलिमेंट हमारा क्या होगा? बटन। तो बटन दो टाइप के होते हैं, एक टेक्स्ट बटन होता है, एक एलिवेटेड बटन होता है। एलिवेटेड बटन मतलब बेसिकली सेम ही होता है दोनों, वो थोड़ा सा एलिवेटेड सा दिखता है। तो अभी मैं एलिवेटेड बटन यूज कर रही हूँ। हाँ, और इसमें दो फंक्शंस हैं बेसिकली, दो प्रॉपर्टीज है इसकी जो कि डायरेक्टली आ रही है। हाँ, एक चाइल्ड जिसमें हम बटन के अंदर क्या लिखना चाह रहे हैं वो टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके, टेक्स्ट विजिट यूज करके चाइल्ड में डाल देंगे। और ऑन प्रेस क्या लेता है, इसके ऊपर होवर करो, ऑन प्रेस एक वॉइड फंक्शन लेता है, मतलब जिसका रिटर्न टाइप कुछ ना हो बट एक फंक्शन होना चाहिए। और इस क्वेश्चन मार्क का मतलब समझ रहे हो, वो फंक्शन नलेबल हो सकता है, बट इस रिक्वायर्ड का मतलब ये होता है कि ये दोनों चीजें तो तुम्हें चाहिए, ऑन प्रेस फंक्शन और चाइल्ड तुम्हें यूज करना ही करना है। इसमें रेड ऑब्वियस रीजन को हटा करके नॉर्मल सा फंक्शन डालना पड़ेगा। और ये ना नॉन अननेम्ड फंक्शंस यूज कर रही हूँ मैं, जिसके यहाँ पे नाम नहीं होगी उसको अननेम्ड फंक्शंस कहते हैं। और ये समझ आ रहा है ना, फंक्शन बॉडी कहाँ होगी, आर्ग्यूमेंट कहाँ होंगे, कुछ वो जो कर्ली ब्रैकेट है वो फंक्शन बॉडी होती है और उसमें आर्ग्यूमेंट हो रहा है हमारा। ठीक है, चाइल्ड में मैं एक टेक्स्ट फील्ड यूज कर, एक टेक्स्ट यूज करके उसमें जो एरर आ रहा है उसको रिजॉल्व करके, अभी एक टेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करके क्या डाल दूं बटन में, कन्वर्ट डाल देते हैं ताकि बटन प्रेस करने पे कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अभी ये क्या एरर दे रहा है, इनवैलिड कांस्टेंट वैल्यू क्यों दे रहा है? क्योंकि इसके ऊपर कहीं ना कहीं हम कांस्टेंट प्रॉपर्टी मतलब कांस्टेंट एडवर्ब यूज कर रहे हैं, जैसे कह सकते हो जहां पे हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो हम कहां यूज कर रहे हैं, देखो ये मटेरियल आप जो कांस्टेंट यूज हो रहा है ना इसको हटा देते हैं, फिर बहुत सारी वार्निंग्स आ जाएगी कि ये कॉन्स्ट यूज कर रहे थे बट अब नहीं है इनके ऊपर कॉन्स्ट, तो वो वार्निंग्स रिजॉल्व कर सकते हैं बाद में, बट ये एरर तो चला गया ना कम से कम, एट द कॉस्ट ऑफ दैट दोज वार्निंग्स ये एरर चला गया। तो इन वार्निंग्स को हटाने के लिए एक मेथड ये है ना कि जहां जहां बोल रहा है कि कॉन्स्ट प्रॉपर्टी नहीं यूज करी उसके साथ तुम डायरेक्टली यूज कर दो, तो ये वार्निंग्स चली जाएंगी। इट्स समथिंग लाइक एक फादर है, मान लो एक फादर, उनके पास एक प्रॉपर्टी है कॉन्स्ट, उनके चार बच्चे, अगर वो कॉन्स्ट होल्ड करके बैठेंगे तो चारों बच्चों के पास कॉन्स्ट रहेगा, बट अगर उन चारों में से किसी एक को भी प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, फादर से हटा देंगे और बाकी तीन बच्चों को दे देंगे, तो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। एंड ऐसे इसके लिए बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं, पता है, क्योंकि हम कॉन्स्ट नहीं भी यूज करेंगे तो कोई
स्पेशल एरर आता नहीं है, बस वार्निंग ही आती है। क्या कॉन्स्ट में एरर आ गई? हाँ, यहाँ पे एरर आ रही थी ना, क्योंकि ये जो फंक्शन होता है ये नॉन कॉन्स्ट फंक्शन होता है और इसके ऊपर हमने हेड में कहीं कॉन्स्ट लगा दिया, तो वो अब एरर देगा। क्योंकि ऐसे समझ सकते हो कि अगर कोई कॉन्स्ट है और उसके ऊपर कॉन्स्ट नहीं है तो वो बस थोड़ी सी शिकायत करेगा, बट अगर कोई कॉन्स्ट नहीं है और उसके ऊपर कॉन्स्ट है तो शिकायत नहीं करेगा, ऊपर बगावत कर देगा और एरर देने लगेगा। ठीक है, तो ऑन प्रेस्ट के अंदर हम कोई भी फंक्शन जो डालेंगे उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। अभी के लिए मैं प्रिंट डाल दूंगी, कुछ भी प्रिंट करा देते हैं कंसोल में। प्रिंट योर करेंसी इज कन्वर्टेड, योर करेंसी इज कन्वर्टेड। ठीक है, अभी वार्निंग आ रही है क्योंकि प्रिंट यूजुअली नहीं इन्वोक करना होता है प्रोडक्शन कोड, बट ठीक है, वार्निंग इग्नोर करते हैं अभी। तो हमारा बटन बन गया होगा बेसिक साइड, लेकिन बटन बहुत गंदा सा दिख रहा होगा। हाँ देखो, ये कन्वर्ट बटन बन गया, बट मैं चाह रही हूँ इसको ब्लैक कलर का कर देते तो थोड़ा बेटर लगेगा शायद। तो प्रॉपर्टीज देखते हैं इसमें क्या क्या है, कुछ कलर वलर की प्रॉपर्टी है। चाइल्ड है इसका एक, ऑन फोकस है, ऑन प्रेस्ड है। अच्छा, ये दो प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ऑन फोकस एक होता है। अच्छा नहीं, ये तो इसमें ऑन प्रेस्ड, ऑन लॉन्ग, ऑन स्टाइल, बटन स्टाइल करके देखते हैं। इसमें एक स्टाइल प्रॉपर्टी करके है, तो हो सकता है उससे हम स्टाइल कर सके अपने बटन को। तो स्टाइल प्रॉपर्टी यूज किया, इसमें बटन स्टाइल टाइप की इनपुट लेते हैं। मुझे क्या कलर चेंज करनी है ना, डायरेक्टली राइटिंग कलर्स डॉट ब्लैक, हमें ऐसे मटेरियल्स डॉट प्रॉपर्टी में जाकर के लिखना पड़ा। इसको अभी के लिए इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, बैकग्राउंड कलर हमारा ब्लैक हो गया, तो टेक्स्ट कलर चेंज करना पड़ेगा ना, वरना फिर कन्वर्ट दिखेगा नहीं। इसमें मैं कलर्स Thank you.
उसका चल गया, उसका बहुत ऐसे चल गया तो अभी हमारा बेसिक सा ऐप ऐसा है, तो मैं सोच रही हूँ एक नीचे में एक 00 करके एक और विजिट डाल देते हैं, जो कि हम यहाँ पे जब वैल्यू डालेंगे, मान लो हमने 1 डाला और फिर कन्वर्ट क्लिक करने पे वो 0081 हो जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ करेंगे। तो एक और विजिट डालते हैं बटन के बाद, सेम टेक्स्ट यूज कर लेते हैं ना, ये कन्वर्ट योर करेंसी वाला। बस कन्वर्ट योर करेंसी की जगह 00 डाल देंगे, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि ये 0 somehow चेंज हो जाए, और एक और चीज करवा देती हूँ, क्या चेंज करना है तो टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, मगर वार्निंग आई का कांस्टेंट डाल दी, क्योंकि ऊपर में नहीं लिखता, अब चेंज करना है टेक्स्ट बॉक्स की यूज करना है, क्या टेक्स्ट बॉक्स यूज करना, हाँ देखो कन्वर्ट अभी करने के लिए बहुत ज्यादा, अभी बहुत सारी चीज है, तो वही अभी दिखा रही हूँ कि एक तो हमने स्टेटलेस विजिट से एक्सटेंड किया है, तो होगा भी नहीं कन्वर्ट अभी, वही देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ इस पे क्लिक करने पे ये जो कीपैड आ रहा है ना, वो ऐसा आ रहा है, मगर हम तो नंबर डालेंगे सिर्फ, तो जैसे एप्स में आता है नंबर वाला, वैसा कर लेते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे टेक्स्ट फील्ड में, और एक टेक्स्ट फील्ड में कीबोर्ड करके प्रॉपर्टी होगी, कीबोर्ड टाइप, ठीक है, इसको हम नंबर पे सेट कर देंगे, कीबोर्ड टाइप, ठीक है। अब फॉर्टी लोड करने पे वो नंबर वाला कीपैड देगा, क्या बटन का फॉर्मेटिंग, अच्छा वो अभी हो नहीं रहा था, पता नहीं कुछ तो एरर आ रहा है, मतलब मेरे को याद नहीं है क्या इसकी थी, तो उसको लास्ट में मैं देख लेती हूँ अगर टाइम बचता है तो। अब मैं चाह रही हूँ कि ये 0 जो दे रहा है ना, इसको 0 नहीं देना चाहिए अभी, अभी तो 0 रखते हैं। एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं यहाँ पे बिल्ड फंक्शन के अंदर, और डबल रखते हैं, क्योंकि डेसिमल में भी तो हो सकता है ना हमारा करेंसी, डबल करेंसी से इनपुट करेंसी, अच्छा नहीं अब करेंसी करने देते हैं, करेंसी इक्वल टू 0, ठीक है, ये इसको 0 सेट कर दिया, ये अभी वार्निंग इसलिए दे रहा है कि अभी तक यूज नहीं करा इसको, और यहाँ पे ना टेक्स्ट में करेंसी ही डाल देते हैं सीधा। अभी वेरिएबल्स क्यों मैं यूज कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली 0 इसलिए नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अभी मुझे उसके साथ छेड़खानी करनी है, वो जो 0 थी अभी मुझे उसको कन्वर्ट पर क्लिक करके समथिंग इनटू 81 करना है, तो इसलिए मैंने एक वेरिएबल यूज कर लिया, और यहाँ पे आ रहा है एरर, एरर करेंसी इंटू 81 अभी करेंगे, जैसे करेंसी में हम क्या करेंगे, पहले करेंसी में जो इनपुट वैल्यू है उसको स्टोर करेंगे, और फिर उसको इंटू 81 करके फिर आउटपुट करेंगे, ठीक है। तो देखो एरर ये आ रही है कि द आर्गुमेंट टाइप डबल कांट बी असाइंड टू द पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग में जब हमने देखा था तो यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप जो था वो स्ट्रिंग था, ठीक है, तो इसको हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी करेंसी आ रही है उसको आउटपुट करते वक्त बस स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसके लिए एक फंक्शन होता है, इसके लिए एक फंक्शन होता है टू स्ट्रिंग करके, ठीक
पेरेंसी डॉट टू स्ट्रिंग अभी क्यों एरर आ रहा है, मेथड्स कांट बी इनवोक्ड इन कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा ये कांस्टेंट हटाना पड़ेगा हमें, ठीक है तो एरर चला गया। तो अभी हमने क्या करा, हमने एक्चुअली करेंसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर दिया, वरना हम स्टार्टिंग में करते स्ट्रिंग करेंसी इक्वल्स टू जीरो। तो अभी हमने क्या करा है, बस उसको प्रिंट करते वक्त स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है, क्योंकि हमें एक्चुअली उसकी डबल वैल्यू के साथ ऑपरेशन करना है। तो अभी ना मैंने एक स्टार्टिंग में बताया था, अगर किसी को याद हो, कि टेक्स्ट फील्ड में एक प्रॉपर्टी होती है कंट्रोलर करके, जो कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप का इनपुट लेती है और उसको स्टोर करने में हेल्प करती है जो हम टेक्स्ट फील्ड में डाल रहे हैं। तो एक काम करेंगे हम, जहाँ पे हमने ये किया था ना करेंसी पर डिफाइन करा था, वहाँ पे हम एक और वेरिएबल डिफाइन करेंगे जिसका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। सॉर्ट ऑफ ये क्लास में डिफाइन कर रही हूँ, डेटा टाइप बस बोलने के लिए, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। ठीक है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर करके एक क्लास डिफाइन कर रही हूँ, इसमें मैं इनपुट करेंसी लिख देती हूँ, इनपुट करेंसी इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का क्लास। एक्चुअली मैंने क्लास इंस्टेंशिएट किया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का, ऑब्जेक्ट बनाया है बेसिकली। तो जो इनपुट करेंसी है ना वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू हम इनपुट लेने वाले हैं। तो अभी हम अपने टेक्स्ट फील्ड में जाएंगे, कहाँ गया टेक्स्ट फील्ड, और इसमें कंट्रोलर वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको यूज करेंगे। और इसमें क्या, कौन सी डेटा टाइप लेती है, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप की लेती है। तो अभी हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करा था ना वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर वाला इनपुट टेक्स्ट नाम से, इनपुट करेंसी, हाँ इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अभी फिर से एक एरर आ रही है, क्या कह रहा है, इनवैलिड कॉन्स्टेंट वैल्यू, तो इसके ऊपर से कॉन्स्टेंट हटाना पड़ेगा, ठीक है यहाँ पे कॉन्स्टेंट लगा दो, इसको वार्निंग आ रहा है, ठीक है यहाँ पे एक और कुछ तो आ रहा है, ठीक है वार्निंग्स को अभी के लिए इग्नोर करते हैं। तो हमने क्या करा है, बेसिकली कंट्रोलर से जो भी वैल्यू थी उसको इनपुट करेंसी में ले लिया, और इनपुट करेंसी का डेटा टाइप क्या है, का डेटा टाइप है टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर, जो कि हमने ऊपर एक क्लास के साथ इंस्टेंशिएट करा था। अभी हम हमारा जो भी वैल्यू है वो इनपुट करेंसी में, बट एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि जो हम इनपुट डालेंगे, मान लो 12 डाला, तो इनपुट करेंसी की वैल्यू एग्जैक्टली 12 नहीं है, उसके साथ उसकी बहुत सारी वैल्यूज अटैच्ड है, टाइम वगैरह कुछ। तो जैसे कि अगर मैं इसको प्रिंट करूँ कंसोल पे, लाइक अगर मैं इनपुट करेंसी को प्रिंट करती हूँ तो बेसिकली 12, अगर मैंने वहाँ पे 12.7 डाला है तो 12.7 नहीं आएगा, उसके साथ भी बहुत सारी वैल्यूज आएंगी। तो हमें, मैं ये कहना चाहूँ, जब बेसिकली यूज करेंगे ना इनपुट करेंसी को, तो डॉट टेक्स्ट करके एक एक्सटेंशन लगा देंगे ताकि सिर्फ उसका टेक्स्ट वैल्यू आए जब हमें यूज करना है। तो अब हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें बटन में जाना चाहिए ना, ये जो प्रिंट लगा लिख रखा है हमने इसको हटाओ। मैं ये करूँगी कि यहाँ पे मैं यहाँ मैं सेट स्टेट, अच्छा देखो सेट स्टेट करके यहाँ पे कोई फंक्शन है ही नहीं, क्यों नहीं है, एक सेट स्टेट करके फंक्शन होता है बेसिकली, जिससे हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे जो करेंसी की वैल्यू थी लास्ट में इसको चेंज करके करेंसी टेक्स्ट करेंसी इनटू 100 कर देते, इनपुट करेंसी इनटू 81 कर देते, सॉरी। तो यहाँ पे क्यों नहीं यूज कर पा रहे हैं, एनी आइडिया, हमने तो स्टेट प्लेस वाला एक्सटेंड किया, स्टेटलेस उसको एक्सटेंड किया, इसी कारण से नहीं कर पा रहे। तो अभी हमें चाहिए कि स्टेटलेस की जगह हम सब कुछ स्टेटफुल विजिट में ट्रांसफर करें। तो स्टेटफुल विजिट में अगेन वो स्टार्टिंग में थोड़ी सी इशू आएगी, सेम नाम रखते हैं ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना आए, ऐप इसका नाम ये करते हैं माई ऐप,
है, मैप कर देते हैं यहाँ पे, सेम आई हटा देते हैं। अब ये इस फंक्शन को इन्वोक करेगा, एक्सटेंड्स स्टेटफुल विजिट्स, स्टेटफुल विजिट। ये क्या आइडेंट दे रहे हैं, the constructor being called isn't a constant constructor। अच्छा अभी से constant वाला वो चीज़ जो हमने same चीज़ जो नीचे कही थी const करके यहाँ भी कर देते हैं, क्योंकि stateless widget भी ultimately same ही more or less same चीज़ें follow करती है, तो override वगैरह इसमें भी करना पड़ेगा, बस एक चीज़ इसमें extra होगी। अभी ये और एरर्स दे रहे हैं जो हमने पहले देखे थे ना, जो एरर्स वही सेम टू सेम वही होंगे। ये क्या कह रहा है, मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेटफुल विजिट डॉट क्रिएट स्टेट। पहले क्या आ रहा था, मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिल्ड फंक्शन आ रहा था ना, अभी एक और चीज है यहाँ पे एट द रेट ओवरराइड। हम इसके फ्रेमवर्क में जाएंगे अभी और देखेंगे ये कौन सा फंक्शन को कॉल लगाने के लिए कह रहा है। देखो ये जो फंक्शन है ना, स्टेटफुल एलिमेंट क्रिएट स्टेट करके, बेसिकली यहीं पे इसको यहाँ पे कॉल लगाना पड़ता है कंट्रोल स्टेटफुल एलिमेंट्स में। ये अभी मैं समझा रही हूँ कि इसका क्या मतलब होता है, क्रिएट स्टेट इसका मतलब पता ही क्या होता है, ये एक एरो फंक्शन है, इसको मैं एक स्टेट, एक क्रिएट स्टेट करके एक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप स्टेट है, और ये इस चीज को क्रिएट कर रहा है, स्टेट रिटर्न टाइप के इस विजिट को क्रिएट कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसके अंदर ज्यादा टाइपिंग करने की है नहीं जरूरत, इनकेस डाउट है तो फिर बाद में कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ये हो गया, और बिल्ड फंक्शन चाहिए था, हाँ ये रेड लाइन है क्योंकि अभी तक हमने डिफाइन नहीं करा इसको, तो अभी करेंगे क्लास, एक क्लास बनाएंगे हम स्टेटफुल एक्सटेंड स्टेट करके। अभी ये स्टेट को एक्सटेंड करेगा, क्यों स्टेट को क्यों एक्सटेंड करेगा, अच्छा एरर गया नहीं अभी तक, the value type can't be returned from method characteristic state। हाँ तो हमने इसका return type क्या था, state था, ये देख रहे हो, तो basically जो stateful हमने class बनाई है state type का class है, और अभी हम इसको बनाएंगे तो ये state class को extend करेगा, और इसके अंदर सब कुछ पहले जैसा होगा। देखो इसमें क्या क्या errors आ रहे हैं, मिसिंग कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट डॉट बिल्ड, तो इसका जो पूरा का पूरा बिल्ड फंक्शन है ना ओवरराइड से लेकर स्टेटलेस विजिट में, उसको पूरा कॉपी कर लेंगे। रिटर्न में मटेरियल है, बेसिकली वही पूरा कॉपी पेस्ट किया मैंने। ठीक है सारे एरर्स चले गए, ये वाला कमेंट ऑफ कर देती हूँ, स्टेटलेस विजिट का कोई काम तो है नहीं।
ये एरर्स आ रहे हैं ना, क्योंकि ये जो मैंने वेरिएबल्स डिफाइन कराया था ना बिल्ड फंक्शन के ऊपर, मतलब बिल्ड फंक्शन के नीचे, वो मैंने नहीं किया कॉपी पेस्ट, इसको भी कर देते हैं। करेंसी डिफाइन करी थी और एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर करा था। इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं बिल्ड फंक्शन के अंदर, ठीक है, वो एरर चले गए होंगे। अभी एक बार फिर से हॉट रिलोड करके देखते हैं, वरना फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार मैं बता देती हूँ कि कैसे कैसे वेरिएबल्स काम करेंगे। अच्छा, अभी चेंज तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि हमने स्टेट स्टेट फंक्शन चेक करा ही नहीं था। बटन में जाएंगे और अभी इसमें, क्योंकि ये स्टेटफुल विजिट है, तो इसमें स्टेट सेट स्टेट फंक्शन काम करेगा। बखूबी सेट स्टेट, हाँ देखो, सेट स्टेट फंक्शन इज बेसिकली फंक्शन विद इन अ फंक्शन। लाइक एक तो सेट स्टेट नाम का फंक्शन है, इसके अंदर अगेन एक अननेम्ड फंक्शन आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर हम कुछ डालते हैं, इसके अंदर क्या करते हैं, हम जैसे हमने क्या करा था, करेंसी थी ना हमारी, करेंसी की वैल्यू चेंज करनी है। स्टेट स्टेट में करेंसी इक्वल्स टू कर देंगे, करेंसी इक्वल्स टू कर देंगे क्या था उसका वैल्यू जो हमने इनपुट लिया था, इनपुट करेंसी क्या था ना, इसको इनपुट करेंसी, इनपुट करेंसी इनटू 81 कर देंगे। बट अभी भी एरर्स आ रहे हैं बहुत सारे, क्यों आ रहे हैं देखते हैं। ये कह रहा है कि दिस ऑपरेटर इजंट डिफाइंड फॉर द टाइप टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो अगेन मैंने बताया था कि टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप का है, ठीक है, ये टेक्स्ट आउटपुट नहीं करता है बाय डिफॉल्ट, ये समथिंग अटैच विद टेक्स्ट करता है। तो इसका टेक्स्ट वाला पार्ट निकालने के लिए हमें इसे डॉट टेक्स्ट के साथ अटैच करना पड़ेगा, ताकि सिर्फ टेक्स्ट वाला पार्ट फिल्टर हो जाए, ठीक है। तो फिर उस मल्टीप्लाई कैसे होगा, टेक्स्ट पार्ट फिल्टर होगा तो मल्टीप्लाई कैसे होगा। हां हां, एक सेकंड, उसके बाद उसको अभी क्या बोल रहा है, अंदर अंदर ही डॉट एडिटिंग होगा। A value of type string can't be assigned to variable of type double, क्योंकि currency double। हाँ नहीं, multiply by 81 तो हो जाएगा, like वो 81 times। 81.0 कर दीजिए। नहीं, उससे नहीं होगा। इसको double dot parse करना पड़ेगा। अगर real time addition में और integrate करने का real time जैसे dollar का, तो उसके लिए क्या? रियल टाइम इंटीग्रेट मतलब रियल टाइम एबीएस यूज करने के लिए, एपीआई, ठीक है, डेटा कहां से लाएगा। तो एरर्स सॉल्व हो गए सारे। पहले क्या एरर आ रहा था कि जो इनपुट करेंसी है वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर टाइप का है, डेटा टाइप का है, तो इसका टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ डॉट टेक्स्ट करना पड़ेगा। बट अगेन एक एरर आई थी कि टेक्स्ट इनटू 81 जो था वो एक टेक्स्ट ही था ना, अल्टीमेटली 81 टाइम्स लिखा जाता और ये करेंसी का टाइप डबल है, तो उसके लिए हमें डबल डॉट पार्स फंक्शन यूज करके टेक्स्ट को डबल में चेंज करना पड़ा। इंट डॉट पार्स करते तो इंटीजर में चेंज हो जाता है, ठीक है। दो तरह की चीजें सीखी हमने डेटा टाइप कन्वर्जन में। अगर स्ट्रिंग, अगर डबल को स्ट्रिंग में करना है तो फिर जो भी लिख रखा है, करेंसी थी वो डबल टाइप की, तो उसको टू स्ट्रिंग करके एक मेथड बना करके उसमें डाल देते हैं, तो वो स्ट्रिंग में चेंज हो जाता है। बच्चों श्रेया कुछ बता रही है, आपस में बातें क्यों कर रहे हो, सुन लो, ठीक है। तो टू स्ट्रिंग जो होता है वो हमें डेटा टाइप इंट या फिर डबल से टू स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, और ये जो डबल डॉट पार्स है वो स्ट्रिंग को करेंसी, मतलब स्ट्रिंग को डेटा डबल या इंट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। डबल डॉट पार्स और इंट में कन्वर्ट करें तो इंट डॉट पार्स, ठीक है। अभी देखते हैं हमारा ऐप सही से रन करा या फिर एरर्स आ रहे हैं, ये सारे चेंजेस करें, गड़बड़ हुई है, ठीक है, देखते हैं एक बार। ऑन क्लिक आपने वो सेट किया था आपने, ये ऑन क्लिक क्या मेरे जब क्लिक करेंगे तभी करना होगा वो फंक्शन। हाँ, वो हमने ऑन प्रेस्ड के अंदर डाला था ना, सेट स्टेट करेंसी, ठीक है, सेट स्टेट करेंसी इक्वल्स टू दिस,
मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक बार फ्लटर रन करके देखते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस करे मैं एक बार तुम लोग को ये वाला जो फाइनल कोड है उसको कॉपी करके भेज दे दूं, तुम लोग देख लो अपने लैपटॉप में पेस्ट करके एक बार फ्लटर रन कर लो। मैं भी फ्लटर रन कर लूंगी। एक बार ये मुझे लग रहा है ना अच्छा हाँ, मैंने इसको दो फाइल्स भेजी थी और मैंने यहाँ एक ही फाइल बनाया। ठीक है, चार घंटे करके सही करूँगी। हाँ ये देखती हूँ, मेरे को लग रहा है फ्लैटर रन करना पड़ेगा। नहीं वो पहले करा था ना,